हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो ये वीडियो है ये बायोलॉजी के लिए है। एनसीईआरटी बायोलॉजी में जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लेसेस मेंशन की गई है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनसे यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको नीट में पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जया एंड रत्ना वॉज डेवलपड इन इंडिया। जया एंड रत्ना जो कि सेमी डवा वेराइटीज़ यहाँ पे राइस की है, वो यहाँ पे इंडिया में डेवलप हुई थी। टोड इज़ यूज्ड इन साउथ इंडिया। टोडी एक सैप होता है जिसे यहाँ पे वाइन बनाया जाता है, साउथ इंडिया में यूज़ किया जाता है। पेंसिलिन जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी वो यहाँ पे यूज़ की जाती थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड में अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए। इली लिली एज एन अमेरिकन कंपनी। इली लिली एक कंपनी है जो यहाँ पे मास प्रोडक्शन पोलियो वैक्सीन की करती है, तो ये एक अमेरिकन कंपनी है। ए कंपनी विच गॉट पेटेंट राइट्स ऑन बासमती राइस, वो अमेरिकन कंपनी थी जिनको यहाँ पे परमिशन मिल गई थी बासमती राइस के लिए। मैंगो ट्री डू नॉट एंड कैन नॉट ग्रो इन कैनाडा एंड जर्मनी। स्नो लीपर्ड आर फाउंड बट नॉट फाउंड इन केरला फॉरेस्ट्स। हाई ऑल्टीट्यूड प्लेसेस जो कि ग्रेटर देन 3500 मीटर्स यहाँ पे हैं, वो रोहतांग पास नियर मनाली एंड मानसरोवर जो कि तिब्बत में यहाँ पे पाया जाता है। विजिटिंग फ्लेमेंगोस एंड रेजिडेंट फिशेस कम्पीट इन साउथ अमेरिकन लेग्स, जो कि यहाँ पे इंट्रैक्शन इनके बीच में होता है एक कॉमन रिसोर्स के लिए। एबिंगडन टॉर्टाइस वाइल फाउंड इन गैलापागोस आइलैंड। बारनेकल बनानास एंड कैटहैमलस जो यहाँ पे रॉकी सी कोस्टल ऑफ स्कॉटलैंड में पाई जाती है। रोवोल्फिया वोमिटोरिया यहाँ पे हिमालयस में ग्रो किया जाता है, ये एक पॉइजन है। अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। अलेक्जेंडर वॉल हेम्बोर्ड एक्सप्लोर साउथ अमेरिकन जंगल्स में हुआ था। डोडा एक्सटेंड कहाँ से स्टार्ट हुआ, मॉरिटस में। कोगा एक्सटेंड कहाँ से स्टार्ट हुआ, अफ्रीका में। थाइलेसिन एक्सटेंड कहाँ से हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में। इसी तरह से सेटलर सी कव एक्सटेंड रेशा स्टेट स्टार्ट हुआ था। लेक विक्टोरिया कहाँ पर पाया जाता है, ईस्ट अफ्रीका में। कैलोरियस गेरीपाइनस क्या है, एक अफ्रीकन कैटफिश है। उसी तरह से अर्थ समिट जो हेल्ड यहाँ पे हुआ था 1992 में रियो डी जनेरियो में, ये एक समिट थी जो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए हुई थी। वर्ल्ड समिट हेल्ड हुई थी 2002 में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। 2-10% जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन यहाँ पे यूज़ की जाती है फोटोसिंथेटिक प्लांट्स के लिए। रेड डेटा बुक कंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर इन डेंजर जोन। 1-5% ऑफ ISR जो होता है इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, वो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ की जाती है प्लांट्स में। उसी तरह से जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यहाँ पे हेल्ड हुआ था कनाडा में, ये इसलिए डिज़ाइन किया गया था क्योंकि जो यहाँ पे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है उनको प्रोडक्शन कम करने के लिए, उनका इम्पोर्ट कम करने के लिए, एटमोसफेयर में उनकी कंसनट्रेशन कम करने के लिए, ताकि ओजोन लेयर को यहाँ पर डिप्लीट होने से बचा सके। क्योटो प्रोटोकॉल यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस में अडॉप्ट हुआ था 1997 में। इसका काम यही था कि जो कार्बन इमिशंस है उसको कम करे दुनिया में, तो ताकि ग्लोबल वार्मिंग से यहाँ पे हम कम्बेट कर सकते और क्लाइमेट चेंज हो सके। तो ये थी वो इम्पोर्टेंट प्लेस जो NCERT में आपको दी गई है, इनसे यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसी तरह से एक और वीडियो हम कल लाएंगे जो आपको यहाँ पे मदद करेगा ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स बनाने में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।